और आज इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक संयोजन टॉयकांडो के प्रभारी हैं, उनके साथ इतने शिक्षक आए हैं, इस विद्यालय परिसर में परिवार में जितने भी शिक्षक बंधु हैं, हमारे समाज सेवी छोटे भाई के रूप में लगी जी, और ये जो प्रशिक्षित करने आपके बालिकाएं आई हैं, सभी को सादर अभिनंदन बताओ खाना प्रभारी से राजा करता हूँ। और बच्चों, आपके सामने मैं दूसरी बार आया हूँ, आपको भी सुभाशीष मेरी तरफ से प्रदान हुआ। इसी के साथ मैंने कहा था लगभग 15 दिन पहले आया था कि हम आपके पास आएंगे। इधर एक महीने से लगातार त्यौहार चले, विभिन्न प्रकार के त्यौहार चले और सबसे कुशल संपन्न हुए। सभी का यहाँ के नौजवान साथी का जो भी नागरिक थे अच्छे तरह व्यवहार रहा दिवाली से लेकर के, और छठ तक भी अच्छा हो गया। इसमें सभी का अच्छा सहयोग रहा, हमने ये अच्छी व्यवस्था करी थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये बताना चाहूंगा कि मिशन शक्ति के विषय में जो बताया था उसी का एक कड़ी है ये। आज जिसके लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं तो आयकंडो उसी की कड़ी है। हमने जो बताया था आपको, दो चार नंबर दिया था आपको, अपनी सुरक्षा के विषय में उन नंबरों का प्रयोग करिए। यदि थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि पुलिस आने में 10 मिनट लेट हो गया आपको, तो अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, थोड़ी देर के लिए अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप लोगों ने सुना होगा या आगे जाकर सुनेंगे। यदि कोई आता है आपको कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी बस्ता दो, आप हाथ पकड़े या हाथ आगे बढ़ाए, तो आप कैसे उसके हाथ को रोकेंगे? यदि आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ को कैसे रोकेंगे? कोई आपको ठाकुर उठाता है तो उसके ठाकुर को आप कैसे रोकेंगे? ये बताएं, ये आपको समझाया जाएगा। अपने को हमने आपसे कहा था कि उस मिशन शक्ति का प्रमुख उद्देश्य है चुप्पी को तोड़ दीजिए। चुप है उसको, अपनी आवाज को बढ़ाइए, गुरु जी के रूप में, शिक्षक के रूप में बढ़ाइए, माता पिता के रूप में बढ़ाइए, देवी के रूप में बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए। उसी में कड़ी है। यदि ऐसा संभव होता है कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट तक कोई आपको हेल्प में नहीं आता है, तो आप अपने को कैसे सुरक्षा रख सकती हैं, कैसे कंप्लेन कर सकती है, इसके लिए इस आप जो आवश्यकता पड़ी आपका सहयोग है, आपको परमिशन दिया गया, तो स्कूलों में आप लोगों का चल रहा है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, आप लोग कैसे प्रधानाचार्य महोदय का संवाद आपके साथ है, ऐसे दो दिनों का संवाद है, और आप 7 दिन के प्रोग्राम में, और मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग शिक्षा देंगे। आपको इसको जरूर ध्यान से देंगे, आप इसको दूसरे नहीं, गुरु जी आपको पढ़ाते होंगे, वो ये बताते होंगे कि ये विद्या ऐसी चीज है कि कोई बांटता नहीं होता है ना, विद्या बड़ा विज्ञान सुने आप लोग। चूंकि हम क्लास की तरफ नहीं जाना चाहते, हमें बहुत इच्छा है मास्टर बनने की, लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस बन गई, लेकिन इच्छा करती है कि हम भी पढ़े पढ़ाए। तो ये हमको पढ़ाया जाता है, हमको गुरु जी ने बताया थे कि विद्या पढ़िए, मन से पढ़िए, ये कभी बढ़ती नहीं, सेल्फ साथ जाती है। तो ये भी दिमाग में रखिए, जो आज 7 दिन आपको सिखाया जाएगा वो भी आपकी सेल्फ के लिए है, आपकी सेल्फ सुरक्षा है। यदि कोई आकस्मिक समस्या आती है तो अपने को कैसे आप सेल्फ रखेंगे, ये इसके लिए कराया जाता है, ये भी बहुत ही जरूरी है आज के समय में, क्योंकि इतनी घटनाएं हो रही है, इतनी समस्याएं आ रही है, छोटी छोटी बात को लेकर के। हम लोग तो आप डेली फेस करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी समस्याएं आती है। यदि आप इस ट्रेनिंग को मन से, मनोबल से, अच्छी से आप सीखती हैं या जानकारी लेती हैं, तो ये निश्चित समझिए कि आपकी 50% समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तब तक कोई ना कोई सहायता देगा और आपको फंसा जाएगा। अब जैसे कि
मास्टर ने बताया, आपने बताया कि काला पेंट इस सर इसके विषय में हमको उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे वो बच्ची लास्ट वाली है वो ट्रेनर है, सिखा रही आप लोगों को, तो खुद भी काफी मेहनत करी होगी जहां की भी बच्ची हो। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आपके 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद कम से कम 60% बच्चियां काली पेंट जरूर पहन लें। क्या आशा करो ऐसा होगा पक्का? तो अगली बार जब दूसरों साथ बुलाएंगे तो ये हम पूछेंगे कि भाई ये बेल्ट नीली या काली किसको किसको मिला, ठीक है? उस समय हम ज्यादा आपको शुभाशीष देंगे, ठीक है ना? इसी के साथ इस विषम शक्ति पर पुनः मैं बैठ जाता हूं। नंबर 2 मैंने बताया था, काफी कारगर हो रहा है। थोड़ी थोड़ी घटनाएं जो हो रही है तत्काल लड़कियां फोन कर दे रही हैं, पुलिस पहुंच रही है, महिलाएं भी पहुंच रही हैं। अभी आप कस्बे से जो बच्चियां हैं, कस्बे में जो भी बच्चियां हैं आई हैं, ये कस्बा का जो पोखरा है, छठी का त्यौहार था, लगभग 5,000 की भीड़ थी, उसमें हमने 15-20 प्राइवेट में ही अपनी बच्चियों को लगाया था, महिलाओं को काफी अच्छा रहा, जो भी फोन आता तुरंत पहुंच जाते, छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको अमल किया, जाना कोशिश कर रहे हैं आप लोग। इसी के साथ, इसी कोशिश के साथ पुनः आपसे सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप जो ट्रेनिंग दी जाए उसको उसी तरह से अमल करें, उसी तरह से सीखें कि ये मेरे स्वयं की सुरक्षा के लिए। जब हम सुरक्षित रहेंगे तब किसी दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समझ लेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है। पुनः एक बार सभी गुरुजनों को सार्थिक प्रणाम, आपको सुभाषीष प्रदान करता हूं और गुरु जी से कहता हूं इस प्रोग्राम के आगे अपना लोग लगा करो। धन्यवाद। प्रभु बातें तो हो चुकी है, आपकी दूसरी बात अध्याना ने किया है, इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? क्या सभा उठा दिया? मैं चाहूंगा कि 7% हाथ उठा दे क्योंकि सबको सुरक्षित रहना है। बहुत अच्छा, एक लड़की अपने लेकिन अभी हम लोग यह स्थान छोड़ेंगे और यहाँ पे जो प्रोग्राम के चेयरमैन है शाहरुख थॉमस जी, अब वह आपको निर्देशित करेंगे, आदेशित करेंगे और उनके साथ जो उनके लोग आए हैं, मैं फिर से नाम लेना चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। आजाद हुसैन जी, क्या प्रोग्राम, ठीक है?